नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार 4 साल बेमिसाल का डंका पीट रही है। वहीं कोटद्वार में प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे काले दिवस के रूप में मनाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय झंडा चौक में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद वर्मा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने 4 सालों में प्रदेश को गर्त में डाल दिया है, जिसको भाजपा भलीभांति समझती है। इसी को देखते हुए भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते देख मुख्यमंत्री ही बदल दिया। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता भाजपा का दोहरा चरित्र समझ चुकी है। प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका विकास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारी अब यहां से जमीन खिसक रही है तो उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। उत्तराखंड की जनता के 4 साल लोग ये वापस देंगे, जो उत्तराखंड की जनता को इन्होंने अंधेरे में धकेला है, बेरोजगारी की ओर हमारे नौजवान को धकेला है, जो शिक्षा नीतियों को गलत किया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल किया है, वो कौन वापस देगा? अब देख ले, आप देख ले, निर्माण सामग्री देख ले, जो सरकारी निर्माण हो रहे हैं, इतनी घटिया सामग्री लगाई जा रही है। अब सरकार क्षेत्रीय एई और जेई को इसमें टर्मिनेट कर रहे हैं। क्या इनको नहीं चाहिए कि जो कमीशन खो रही है, जो नेताओं को कमीशन जा रहा है, जो उच्च अधिकारियों को कमीशन जा रहा है, वो कमीशन बंद करें। 20-30% कमीशन जाता है, तभी तो भ्रष्टाचार ये उत्तराखंड होगा। कैसे आप एक बड़े अच्छे उत्तराखंड की और विकसित उत्तराखंड की कल्पना कर सकते हैं? क्या इसी के लिए हमारे अमर शहीदों ने इस उत्तराखंड के लिए कुर्बानी दी थी, ऐसा उत्तराखंड बनाने के लिए? मसूरी में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर गुरुवार को इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं द्वारा सभासद कुलदीप रौझेला के नेतृत्व में मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव कर पेयजल के अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। इंदिरा कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लगातार अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लाइनमैन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लाइनमैन द्वारा बड़े लोगों को भरपूर पेयजल दिया जा रहा है, परंतु आमजन बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द उनकी पेयजल की समस्या दूर नहीं होती तो वह सड़कों पर उतरेंगे। वहीं क्षेत्रीय सभासद कुलदीप रौझेला ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उनके द्वारा कुछ प्रस्ताव गढ़वाल जल संस्थान को क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए दिए गए थे, परंतु विभाग उन प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द पेयजल की समस्या दूर नहीं होती तो वह भी जनता के साथ विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हमारी कॉलोनी में एक दिन की नहीं, हर रोज की यही परेशानी है। एक दिन क्लास भैया को फोन करो तो रोज ड्रामे बहाने मार देते हो। क्या बोलते हैं वो लोग? ये बोलते टैंक में पानी नहीं। टैंक में पानी का मतलब तो किसी का नहीं आना चाहिए ना, हमारा ही क्यों नहीं आ रहा? बहुत परेशान हो गए, पानी नहीं आता। कितने दिनों से नहीं आ रहा पानी? हो गए 2 टाइम, पूरी सर्दियों से नहीं आ रहा पानी। तो हम कभी किसी के घर से लगाते हैं, कभी किसी के घर से लगाते हैं, कितने दिन जाएंगे हम किसी घर? कनेक्शन है हमारे घर में, जब पानी नहीं आ रहा हम कनेक्शन का क्या करेंगे? हम बिल भरने के लिए लगा रहे कनेक्शन, बस कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं। हम इसलिए आ रखे यहाँ जो कोई नहीं सुनता, हम इसलिए। और भैया आज आ गए, नहीं पानी आएगा तो हम जुलूस लेके आ जाएंगे, पूरा तोड़ फोड़ करेंगे। कोई नहीं मिला सुबह से, कोई फोन नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर विरोध जताते हुए पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा जेल रोड से कालाडूंगी चौराहे तक निकाली गई। यहां राज्य सरकार की विफलता के 4 साल का नारा देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 सालों में राज्य का विकास नहीं बल्कि विनाश किया है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी जनहित के कार्यों में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आज प्रदेश में बेरोजगारों का बुरा हाल है, रोजगार खत्म हो गए हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है और आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी सरकार का पुरजोर विरोध करती है। 4 साल जो विकास की बातें कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ विनाश ही किया है। अगर हम देखें तो ये बड़े दावे से कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल, और हमारा मानना है कि अगर आप किसी भी जनता से पूछेंगे वो त्रस्त हो चुकी है। वो कहेगी कि 4 साल बिना मिसाल जनता बदहाल, प्रदेश का बुरा हाल। हल्द्वानी के बाल सुधार गृह से आज सुबह 7 बच्चे फरार हो गए। बच्चों के फरार होने की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अलग अलग अपराधों में जेल में बंद थे, जिनमें से 2 बच्चे बरामद हो गए हैं। ये सभी एक ही कमरे में रहते थे और सुबह 4 बजे रजाई की कवर की रस्सी बनाकर ग्रिल और जाली तोड़कर सीढ़ी के सहारे कूदकर बाल सुधार गृह से भाग गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी रमा जैन ने बताया कि 2 बच्चे बरामद हो चुके हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही ड्यूटी में तैनात चौकीदारों
से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर अलार्म सहित कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि किशोर संप्रेक्षण गृह में इस समय 13 बच्चे रखे गए थे। संगीन आपराधिक वारदातों में निरुद्ध 6 बच्चों को प्रथम तल में रखा गया था, जबकि चोरी के मामलों में निरुद्ध 7 बच्चों को द्वितीय तल में रखा गया था। ऊपरी हिस्से के बैरक के रहने वाले बच्चे फरार हुए हैं। देखिए, ये जो हमारे संज्ञान में आई है घटना, जैसे हमारे संज्ञान में आई तो हमने सबसे पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर प्रशासन को इन्फॉर्म किया, जिसके क्रम में तत्पर एसएसपी मैडम द्वारा एक्शन लिया गया। एसपी सर, सीओ साहब, एसएसपी मैडम खुद, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम, सब ने यहाँ पे आके निरीक्षण किया मौके पर, और जिसके बदौलत हमें 2 बच्चे अभी तक मिल भी गए हैं वापस, और हम आशा कर रहे हैं कि आज शाम तक बाकी बच्चे भी हमें वापस मिल जाएंगे। लालकुआ के यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन तिराहे पर एकत्रित होकर भाजपा सरकार एवं तीरथ सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने तक ही सीमित रही और विकास कार्यों की ओर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वहीं सरकार के मुख्यमंत्री महिलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उन्हें बचे हुए 1 साल में प्रदेश के विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेसियों ने कहा कि संस्कार का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री महिलाओं के पहनावों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो भाजपाइयों की तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावों पर की गई टिप्पणी से आक्रोशित सभी कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला फूंका है और कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी टिप्पणी पर तत्काल महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कल उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत जी द्वारा एक बयान दिया गया, जो कि कहीं भी उनकी पद की गरिमा को नहीं दर्शाता। उनने महिलाओं को और उनके पहनावे को लेकर बड़े अशोभनीय ऐसी टिप्पणी करी जिसे कोई भी एक आम नागरिक पचा नहीं सकता है। ये इनकी छोटी मानसिकता और इनकी पार्टी की जो ये लोगों के संस्कार की बात कर रहे हैं, इनके संस्कार इतने बेकार हैं कि महिलाओं को लेकर हमेशा अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं और एक छोटी सोच रखते हैं, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस द्वारा लालकुआ शहर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है, कुछ ऐसा ही नजारा तीर्थ नगरी ऋषिकेश में देखने को मिला है, जहां बुलंदशहर से 50 दिन की दंडवत यात्रा करते हुए शिव भक्त योगेश कुमार अपने साथियों के साथ ऋषिकेश पहुंचे हैं। योगेश नीलकंठ महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक करेंगे। अभी योगेश को नीलकंठ पहुंचने में करीब 3 से 4 दिन का समय लगेगा। बताया गया है कि देश में कोविड-19 के कहर को कम करने के लिए योगेश ने भगवान नीलकंठ महादेव से मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने के लिए वह नीलकंठ की दंडवत यात्रा कर रहे हैं। योगेश कुमार धतूरी गांव, जिला बुलंदशहर। अभी कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके की मनोकामना है आपकी? नीलकंठ जा रहे हैं। कितने दिन हो गए निकले हुए, कब पहुँचने की उम्मीद है? 28 जनवरी के निकले हुए हैं। कब तक पहुँचने की उम्मीद है? कल या परसों। तो किस प्रकार से जा रहे हो आप? अब हम जो इस प्रकार से सुख शांति रहे अपनों, ये है अपना, वैसा कोई काम नहीं। दंडवत आ रहे हो? हाँ, दंडवत। हर साल आते हो? पहली बार? नहीं, पहली बार। पहली बार आए? हाँ, आए साल तो यहीं से ऋषिकेश में से गंगा जी में से नीलकंठ की 17 वर्ष दंडवत लगाते हो। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।